पर दिल्ली से है। ओखला में पावर स्टेशन में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस पावर स्टेशन से कैसे आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, और ओखला की ये वारदात है। ओखला पावर स्टेशन में आग लगी हुई है, आग बुझाने की कोशिश अब भी जारी है। मदन भारद्वाज हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। मदन, जो तस्वीरों से नजर आ रहा है, बहुत जबरदस्त और भीषण आग मालूम पड़ रही है। सौरभ, देखिए, ये कालका जी के पास क्राउन प्लाजा है, वहाँ 220 केवीए का जो ट्रांसफार्मर था, सबसे पहले वहाँ आग लगी, और जैसे ही आग लगती है उसके बाद आसपास की जो वायरिंग थी, सब जो बड़े ट्रांसफार्मर थे वो भी जलने शुरू हो गए, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो गाड़ियों को एहतियातन फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियाँ मौके पर जुटी हुई हैं, बाकी और गाड़ियों को भी बुला लिया गया है। साथ ही यहाँ पर क्योंकि ऑफिसेज हैं बहुत सारे और ये मार्केट एरिया है, तो बहुत पुलिस और फायर ब्रिगेड दोनों बड़ी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं कि कैसे भी इस आग पर काबू पाया जाए। फिलहाल क्या स्थिति है इस आग की और कितनी देर हो चुकी है आग लगे हुए? देखिए, ये 2:45 पर लगभग आग लगी थी, तो जब 2:45 से आग लगी है उसके बाद से ही तुरंत फायर ब्रिगेड तुरंत ही मौके पर पहुंच, तभी भी माना जा रहा है कि जल्दी ही आग पर काबू पा लिया जाएगा, और निश्चित रूप से और गाड़ियां भी फायर ब्रिगेड की बुलाई जा रही हैं। जी, पावर स्टेशन में आग है, समझ सकते हैं इससे थोड़ी और मुश्किलात हो सकती है फायर डिपार्टमेंट के लिए बुझाने को इसे। मदन, ये बताइए जरा, इसमें किसी किस्म के नुकसान की कोई खबर तो नहीं है? किसी को चोट तो नहीं लगी? कोई व्यक्ति घायल तो नहीं हुआ है? नहीं सौरभ, क्योंकि जो ये पावर स्टेशन था, जो ट्रांसफार्मर था, वो वाकई जो इलाका है, भीड़भाड़ वाला इलाका है, उससे दूर था, तो ये A13 जो पॉकेट है वहाँ पर ये था, और निश्चित रूप से अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो आसपास जो गाड़ियाँ थी वो भी इससे अभी दूर है, लेकिन क्योंकि अभी भी आग लगी हुई है तो अभी भी फिलहाल कोई नुकसान नहीं हुआ बड़ा। पावर स्टेशन में आग लगी है मदन, इसका कोई ना कोई असर पावर सप्लाई पर आसपास के इलाकों में या इन ट्रांसमिशन लाइंस में जो नुकसान हुआ है उससे कुछ बताया जा रहा है कि क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? जी सौरभ, निश्चित रूप से वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाधित होगी, क्योंकि 220 केवीए का एक ट्रांसफार्मर था और पॉकेट ए में ये निश्चित रूप से, क्योंकि यहाँ सारी जो इलेक्ट्रिसिटी थी यहीं से सप्लाई होती थी, और तो माना जा रहा है कि अभी कुछ देर के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी बंद कर दिया गया है। अर्ली शुरू कैसे हुई आग, क्या वजह रही, ये अब तक पता चला? अभी पुलिस फिलहाल फायर ब्रिगेड दोनों ही मौके पर इसको बुझाने में जुटे हैं, लेकिन किस वजह से आग लगी इसको कह पाना अभी मुश्किल होगा। जी, तो जरा इस वक्त हम दर्शकों को बता दें कि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के ओखला की हैं, ये एक पावर स्टेशन है जिसमें आग लगी हुई, आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त आग है। 1.25 घंटा करीब हो चुका है इस आग को लगे हुए, 15 गाड़ियां दमकल विभाग की इसे बुझाने में लगी हैं, लेकिन अब तक इस पर काबू नहीं पाया गया है। कोई अनुमान दे पा रहे हैं वहां पर फायर डिपार्टमेंट के लोग कि कितना वक्त और लग सकता है आग को काबू में करने में? मदन, हालांकि फायर की जो अधिकारी हैं सौरभ, वो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आग पर कंट्रोल पा लिया जाएगा, क्योंकि 15 गाड़ियां जिस तरीके से जुटी हुई हैं, बाकी गाड़ियां और बुलाई जा रही हैं, तो उनका कहना है कि फायर पर अब मुश्किल से अगले 15 मिनट में ये लोग कंट्रोल पा लेंगे। आप जरा एक बार ये फिर बता दीजिए कि ये किस किस्म का इलाका है, आसपास रिहायशी लोग हैं क्या, कमर्शियल इलाका है, ये जरा इसके बारे में बताएं। सौरभ, देखिए, ये कालका जी में क्राउन प्लाजा है, जहाँ की बहुत सारे ऑफिसेज हैं, वहाँ पर बहुत सारे मार्केट एरिया है, वहीं पर पॉकेट A13 है जहाँ पर ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ था। लगभग 2:45 पर ये आग लगी, पहले 220 केवीए का जो ट्रांसफार्मर था उसमें आग लगी, उसके बाद आसपास और छोटे छोटे ट्रांसफार्मर रखे हुए थे उनमें भी आग लगी, साथ ही जो तार थे वहाँ पर, जो वायर थे उनमें भी आग लगनी शुरू हो गई। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड बहुत मुस्तैदी से वहां पहुंची और लगातार गाड़ियों की संख्या भी बढ़ा दी गई, 15 गाड़ियां मौके पर जुटी हुई हैं और आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी बंद कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से मान के लिए कि जिस हिसाब से फायर ब्रिगेड के अधिकारी बता रहे हैं कि 15-20 मिनट में इस आग को बुझा लिया जाएगा। 15 से 20 मिनट कह रहे हैं कि आग को बुझा लिया जाएगा इतने वक्त में, लेकिन जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त आग है, 15 गाड़ियां इस दमकल विभाग की इस आग को बुझाने में लगी हुई हैं। मदन, आप बता रहे थे कि हालांकि ये जिस जगह ये पावर स्टेशन है आसपास थोड़ी दूरी है जहां बसावट है या जहां रिहायशी है या कमर्शियल इलाके हों, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें ज़रूर लोगों में दहशत भरने के लिए काफ़ी हैं। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी, मैं आपको बता दूं कि क्राउन प्लाजा जहां पर लगभग कुछ नहीं तो 70-80 ऑफिसेज हैं, दुकानें हैं, वहां पर बहुत बड़ा क्राउन प्लाजा अपने आप में है, तो क्राउन प्लाजा के नजदीक ही ये A13 जो है प्लॉट नंबर, वहां ये ट्रांसफार्मर था, वहीं ये आग लगी सबसे पहले, तो आसपास के जो लोग थे वो सबसे पहले क्राउन प्लाजा में जो लोग थे उन्होंने भी ऑफिस से निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि वायरिंग भी उस तरफ है, तार भी उस तरफ है, तो एहतियातन आसपास के इलाके को पुलिस ने सबसे पहले खाली कराया। और आपने बताया कि अब आसपास के जो मतलब एरियाज हैं, इलाके हैं, वहाँ बिजली सप्लाई रोक दी गई है।
जी बिल्कुल, जो पॉकेट ए है जहां पर ये आग लगी है वहां तो लाइट है ही नहीं, और साथ ही आसपास जिस तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था लाइट का कालकाजी में बाकी इलाके हैं कुछ जगहों पर भी अभी इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया गया है। चलिए मदन, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।